स्टूडेंट्स, दिस इज आदित्य मिश्रा। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि कैपिटल और ड्राइंग से रिलेटेड जर्नल एंट्री कैसे होती है, ठीक है। अब आगे के लेक्चर में मैं ये बताऊंगा आपको कि परचेज और परचेज रिटर्न से रिलेटेड जर्नल एंट्री कैसे होती है। सबसे पहले हम ये जानते हैं परचेज और परचेज रिटर्न क्या है। जैसे अगर कोई स्टॉक बिजनेस में कोई स्टॉक खरीदा जा रहा है, जैसे जिस पर बिजनेस हो रही है, जैसे सपोज पेन का बिजनेस है, ठीक है। पेन हम लोग ट्रेड करते हैं, मतलब पेन खरीदते हैं कम दाम में और ज़्यादा प्राइस में बेचते हैं, ठीक है। तो हम जो पेन खरीदते हैं बिजनेस करने के लिए, वो हमारे लिए परचेज होगा, ठीक है। तो कुछ पेन ऐसे भी होंगे जिसका निब टूटा होगा, ठीक है। कुछ पेन ऐसे भी होंगे जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होंगे, उसको कंसिडर किया जाएगा एज मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, ठीक है। तो जो ये जो डिफेक्टिव पेन है या फिर डिफेक्टिव जो स्टॉक आ रहा है, जो परचेज किया जा रहा है उस टाइम पे जो डिफेक्टिव स्टॉक आ रहा है, उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो जो रिटर्न होता है, जो स्टॉक खरीदने के बाद जो परचेज किया जाता है, उसको जब रिटर्न किया जाता है तो उसको परचेज रिटर्न कहा जाता है, ठीक है। एक बार और परचेज और परचेज रिटर्न क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, परचेज वो होता है कि अगर बिजनेस चल रही है पेन की, ठीक है, पेन का हम लोग ट्रेड करते हैं, पेन खरीदते हैं 10 रुपये में और 12 रुपये में बेच देते हैं, ठीक है। तो 10 रुपये में खरीद के 12 में बेच रहे हैं, तो जो खरीद रहे हैं ना, जब पेन खरीदा जा रहा है तो उसको परचेज करेंगे, परचेज में कंसिडर करेंगे कि परचेज हो रहा है, ठीक है। उसको परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। परचेज रिटर्न क्या है कि वो पेन अगर खरीद रहे, जैसे 10 पेन खरीदा हमने और 2 पेन डिफेक्टिव निकल गया, उसका निब टूटा हुआ या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ठीक है, तो उसको हम लोग परचेज रिटर्न में कंसिडर करेंगे। मतलब उसको परचेज रिटर्न उसको कहा जाएगा, मतलब जो हमने परचेज किया था उसको रिटर्न कर दिया। तो इतना क्लियर है परचेज और परचेज रिटर्न क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। देखिए, परचेज क्या है, देखिए, परचेज ऑफ गुड्स, मतलब जो गुड्स हम लोग खरीदते हैं जिस पर बिजनेस हो रही है उसी को हम गुड्स कहते हैं, जिस चीज़ की बिजनेस होती है उसी को गुड्स कहते हैं, ठीक है। परचेज ऑफ दैट गुड्स इज कॉल्ड परचेज, ओके। एंड देखिए, इसका मैंने थोड़ा सा इसके बारे में मैंने लिखा है, कमोडिटी और थिंग, ऐसी चीज जिस पर बिजनेस हो रहा है, बिजनेस इज डन, ऐसी चीज जिस पर बिजनेस रन कर रहा है वो होती है परचेज, क्लियर है, ठीक है। देखिए, अगर परचेज होता है तो ये 2 टाइप से होता है। एक तो कैश परचेज होगा, एक क्रेडिट परचेज होगा। इसके बारे में मैं परचेज रिटर्न थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ, पहले परचेज को ठीक से पढ़ लेते हैं। देखिए, 2 टाइप्स ऑफ परचेज, मतलब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ परचेज, परचेज के 2 टाइप्स हैं। मैंने बताया था, कैश परचेज, एक क्रेडिट परचेज, मतलब कैश लेके गए, कैश दिया, गुड्स लेके आए, वो कैश परचेज हो गया, ठीक है। क्रेडिट परचेज क्या होता है कि हमारे पास सामान आ रहा है, हम जाके सामान लेके आ गए, या फिर जो सामान हमको बेचता है, जो सप्लायर है, वो सामान हमें भेज दिया और बोला कि पैसे आप बाद में दे देना, तो वो जो होगा वो क्रेडिट परचेज होगा, ठीक है। तो देखिए, कैश परचेज की एंट्री कैसे करते हैं, कैश परचेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको परचेज रिटर्न बताऊँगा। सबसे पहले ये देखिए कि कैश परचेज क्या है। जैसे अगर परचेज कर रहे हैं, तो परचेज अगर बिजनेस के लिए, बिजनेस अगर परचेज कर रहा है तो एक्सपेंस कर रहा है, परचेज अगर हो रहा है तो एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, देखिए एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, ठीक है। एक्सपेंस और एसेट अगर बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं, ये मैंने पहले आपको बताया है पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। लेकिन जो कैश है, अगर कैश परचेज कर रहे हैं तो हम परचेज तो कर रहे हैं, सामान गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बदले में कुछ दे रहे हैं ना, क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, ठीक है। तो एसेट डिक्रीज हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। परचेज अकाउंट डेबिट क्यों डेबिट किया गया है, क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस है, इसके लिए इसको डेबिट कर दिया गया है, ठीक है। कैश को क्यों क्रेडिट किया गया है, क्योंकि कैश हमारा एसेट है और एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो मैंने बताया था एसेट और एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, इसलिए टू कैश अकाउंट। देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट एक्स 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 अमाउंट और टू कैश अकाउंट, मतलब हम इसको, इस पर कुछ अमाउंट हमने नहीं लिखा, सपोज कर लेते हैं 100 का अमाउंट लिख लेते हैं, ठीक है, 100 का कैश परचेज कर रहे हैं, सॉरी, जैसे अगर परचेज कर रहे हैं 100 का, ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट 100, क्योंकि हमारा एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट किया 100 से। कैश कितने का गया, 100 का गया, टू कैश अकाउंट 100, ठीक है। इतना क्लियर है। देखिए, मैंने नरेशन डाला है, इन्फॉर्मेशन डाला है,
बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश, मतलब जो गुड्स खरीदे गए हैं वो कैश बेसिस पे खरीदे गए हैं, ये इंफॉर्मेशन मैंने डाल दिया, ठीक है। क्रेडिट परचेज क्या है? अगर परचेज कर रहे हैं तो बेसिकली हम एक्सपेंस कर रहे हैं, परचेज अगर कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस और एसेट बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो उसको कैश तो दे नहीं रहे हैं, अगर कैश नहीं देते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश की जगह पे क्या लिखेंगे? कैश की जगह पे हम पार्टी का नाम लिखेंगे, पार्टी का नाम इन द सेंस क्रेडिटर का नाम, जिसको हमें पैसे देने हैं, जो पैसे लेने वाला है वो हमारे लिए क्रेडिटर है, मतलब उससे हमने सामान खरीदा है तो उसको कुछ पैसे देंगे ना, अभी नहीं दे रहे बाद में देंगे, लेकिन क्रेडिटर है ना वो, तो इसलिए पार्टी का अकाउंट लिखेंगे हम लोग कैश के जगह पे, क्योंकि उसको कैश तो दिया नहीं, पैसे देने हैं बाद में देने हैं, इसलिए पार्टी का नाम लिख लिया है ताकि याद रहे, ठीक है। तो अगर हमें पैसा देना है, क्रेडिटर अगर हमारा बढ़ रहा है, जैसे हमने उससे पैसा सामान ले लिया है, पैसा नहीं सामान अगर उससे ले लिया है, गुड्स अगर उससे खरीद लिए हैं तो उसको पैसे देने हैं, उसको कुछ पे करना है, बिजनेस के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब बिजनेस के ऊपर वो क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो लाइबिलिटी और इनकम जब बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, जैसे ये हमारा एक्सपेंस था, इसके लिए परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर लिया है, सम अमाउंट सच एज 100, ठीक है, 100 का अमाउंट मान लेते हैं, ठीक है। टू क्रेडिटर अकाउंट, सपोज कर लेते हैं क्रेडिटर हमारा राम है, ठीक है, क्रेडिटर हमारा राम है, तो इसलिए टू क्रेडिटर के जगह पे हम यहाँ पे लिख लेंगे राम अकाउंट, टू राम अकाउंट। जैसे अगर परचेज किया हमने राम से, ठीक है, राम से हम जाके गुड्स खरीद के लाए, परचेज किए, सपोज 100 रुपये का सामान लेके आए, लेकिन उसको पैसे नहीं दिए, बोले पैसे बाद में देंगे या फिर जब हिसाब करेंगे तो पैसे एक साथ आपको देंगे, ठीक है, तो वो हमारा लाइबिलिटी बढ़ गया, राम जो है वो लाइबिलिटी के फॉर्म में इंक्रीज हो गया, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, राम जो था वो हमारा क्रेडिटर था, राम जो था वो क्रेडिटर था, मतलब क्रेडिटर बढ़ गए, लाइबिलिटी बढ़ गई, तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, इसलिए टू राम अकाउंट 100, ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए यहाँ पर देखिए नरेशन क्या डाला है मैंने, बेसिकली इंफॉर्मेशन, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे सामान खरीदा गया है। हाँ तो स्टूडेंट से परचेज रिटर्न क्या है, मैंने अभी बताया आपको कि परचेज क्या होता है, ठीक है। अब ये देखिए परचेज रिटर्न क्या है, जैसे जो चीज़ें हम खरीदते हैं, जो गुड्स हम खरीद रहे हैं बिजनेस करने के लिए, जो भी गुड्स हम परचेज कर रहे हैं उसमें से कुछ गुड्स डिफेक्टिव आ गए, कुछ ऐसे गुड्स आ गए जिनका यूज़ नहीं है, जो खराब है, तो वो गुड्स हम रिटर्न करेंगे, ठीक है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे परचेज रिटर्न। तो देखिए उसकी एंट्री है, उसके बारे में जो टॉपिक है वो ये है, देखिए रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, मतलब जो डिफेक्टिव गुड्स है उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो अगर रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स कर रहे हैं, अगर रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स कर रहे हैं तो बेसिकली परचेज रिटर्न कर रहे हैं, जो परचेज हम किए थे उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो अगर रिटर्न होता है परचेज, परचेज हमारा एक्सपेंस है, परचेज एक्सपेंस है ना, मैंने बताया था आपको, कुछ परचेज कर रहे हैं मतलब कैश दे रहे हैं, ठीक है, तो उस परचेज का हम यूज करेंगे, उससे बेनिफिट डिराइव करेंगे, तो एक्सपेंस है। तो अगर एक्सपेंस कम हो रहा है, जैसे परचेज रिटर्न कर रहे हैं, परचेज कम हो रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है, तो या तो एक्सपेंस कम होगा या इनकम बढ़ेगा, एक ही चीज़ है। अगर इनकम बढ़े या एक्सपेंस कम हो, एक्सपेंस कम हो या इनकम बढ़े, एक ही बात है, ठीक है, तो इन दोनों को एक में हम कंसिडर कर सकते हैं, जनरली ऐसा होता नहीं है लेकिन एज एग्जांपल हम कंसिडर कर सकते हैं। इसलिए जो परचेज रिटर्न है उसको मैंने इनकम कंसिडर कर लिया है, देख रहे हैं आप, इनकम मैंने इसको कंसिडर कर लिया है, ठीक है। इनकम अगर बढ़ा है, अगर इनकम बढ़ता है तो क्या होता है, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, इनकम अगर बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है, अगर इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट होती है, ठीक है। उसके बाद से अगर इनकम बढ़ गया तो क्रेडिट होगा, और अगर एक्सपेंस और एसेट बढ़ा तो डेबिट होता है, और लाइबिलिटी और इनकम बढ़ा तो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो एक्सपेंस कम होता है तो क्या होता है, जैसे अगर परचेज रिटर्न हो रहा है तो एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट होता है, या फिर इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो एक में इसको कंसिडर कर लिए, ठीक है। ये देखिए क्रेडिटर डिक्रीज हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम परचेज किए थे,
गुड्स बेचने के लिए, जैसे हम बिजनेस में गुड्स खरीदते हैं पर सेल करने के लिए, गुड्स हम खरीदते हैं 10 रुपये में और सेल करते हैं 12 रुपये में, ठीक है। तो हम गुड्स खरीदे थे कितने का, सपोज करते हैं कि हम खरीदे थे क्रेडिटर से 10 रुपये का गुड्स खरीदे थे, ठीक है, तो उसको 10 रुपये देने हैं, लेकिन 2 रुपये का मैंने क्या किया, 2 रुपये का परचेज रिटर्न कर दिया, तो उसको 10 रुपये देने थे, लेकिन अब 2 रुपये का अगर रिटर्न कर दिया तो अब 2 रुपये से क्रेडिटर कम हो गए, क्रेडिटर इज डिक्रीजिंग, वी कैन से बेसिकली लाइबिलिटी इज डिक्रीजिंग। जब क्रेडिटर कम हो रहा है तो लाइबिलिटी भी कम हो रही है, लाइबिलिटी और इनकम कम होती है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इनकम और लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं। तो यहां पर जो क्रेडिटर का नाम होगा, ये परचेज नहीं होगा, क्रेडिटर का जो नाम होगा वो इसको यहां पर डेबिट कर देंगे। सपोज कर लेते हैं राम है, राम एज क्रेडिटर है, इसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे राम को, राम अकाउंट डेबिट, क्योंकि राम से हम सामान खरीदे थे। सपोज कर लेते हैं राम हमारे क्रेडिटर है, राम से हम सामान खरीदे थे, ठीक है, कितने का, 10 रुपये का, लेकिन 2 रुपये का डिफेक्टिव गुड्स है तो 2 रुपये का सामान रिटर्न कर रहे हैं, 2 रुपये से राम को, राम हमारा क्रेडिटर है ना, तो 2 रुपये से क्रेडिटर कम कर रहे हैं, तो इसलिए राम को डेबिट करेंगे क्योंकि क्रेडिटर कम हो रहा है, राम एज क्रेडिटर कम हो रहा है, मतलब राम एज राम क्रेडिटर है ना तो क्रेडिटर कम हो रहा है, इसलिए इसको डेबिट करेंगे, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं, इसलिए राम को यहाँ पर डेबिट किया गया है। मान लीजिए 2 रुपये का है तो 2 रुपये का सामान है, 2 रुपये से डेबिट किया है राम को, ठीक है। टू परचेज रिटर्न अकाउंट, यहाँ पर परचेज रिटर्न को हमने क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि जो परचेज रिटर्न है वो हमारा इनकम है। देखिए परचेज रिटर्न है वो तो या एक्सपेंस कम होगा या इनकम बढ़ेगा, एक ही बात है, तो परचेज रिटर्न इनकम है इसलिए इसको क्रेडिट किया गया है। तो कितने से क्रेडिट करेंगे, 2 रुपये से क्रेडिट भी करेंगे। तो ये टॉपिक क्लियर है, परचेज रिटर्न क्या होता है, क्लियर है, समझ में आया, ये मैं आपको बता दिया है। चलिए चलते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए परचेज गुड्स एट 1000 फ्रॉम राम फॉर कैश, मतलब 1000 रुपये का सामान खरीदा गया है राम से एज कैश, कैश में खरीदा गया है, मतलब अगर परचेज किया गया है तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट हो रहा है, अगर परचेज किया गया है तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, ठीक है। कैश इज डिक्रीजिंग, इफ़ यू आर परचेजिंग समथिंग वी हैव टू पे कैश इन रिटर्न ऑफ दैट, ठीक है, मतलब हमें कैश पे करना है, कैश डिक्रीज करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर पे करना है कैश के फॉर्म में तो कैश कम होगा, कैश अगर डिक्रीज होगा तो एसेट डिक्रीज होगा, एसेट अगर डिक्रीज होता है, एसेट और एक्सपेंस अगर डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो देखिए कैसे इसकी एंट्री हुई है, परचेज अकाउंट डेबिट कितने का, 1000 का, परचेज किया गया 1000 का इसलिए परचेज अकाउंट को डेबिट किया 1000 से, ठीक है। कैश कम हुई है, 1000 की कैश कम हुई है, 1000 की कैश कम हुई है, मतलब परचेज किया गया है 1000 का और कैश कम हुई है 1000 से, अगर 1000 रुपये का सामान लिया है तो 1000 रुपये कैश भी तो देंगे, इसलिए परचेज एक्सपेंस किया है 1000 का और इसके बदले में कैश दिया है 1000 का, क्लियर है। बीइंग नरेशन क्या है इसका, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, कैश पे गुड्स खरीदे गए हैं, क्लियर है। आगे चलते हैं, ये देखिए परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम श्याम, श्याम से 10,000 का गुड्स खरीदा गया, ठीक है, आउट ऑफ विच उसमें से डिफेक्टिव गुड्स जो थे वो 2000 के थे, वो रिटर्न कर दिया गया 15 तारीख को, 10 तारीख को श्याम से गुड्स खरीदा गया 10,000 का, ठीक है, और हमने देखा कि 15 तारीख को उसमें से 2000 के जो गुड्स हैं वो डिफेक्टिव गुड्स हैं, तो 2000 रुपये का माइनस किया हमने, ठीक है, 2000 रुपये का हमने रिटर्न कर दिया। तो देखिए उसकी एंट्री कैसे करते हैं, सबसे पहले 10 तारीख की एंट्री, 10/4/19 की एंट्री कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखिए ऑन 10/4/19 10 अप्रैल 2019 को इसकी एंट्री कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले हमने परचेज़ किया है, परचेज़ किया कितने का, 10,000 रुपये का परचेज किया है, 10,000 का हमने एक्सपेंस किया है, एक्सपेंस बढ़ा है 10,000 रुपये से, इसलिए इसको डेबिट कर देंगे परचेज को, ठीक है। किससे खरीदा है, श्याम से खरीदा है, क्रेडिटर कौन है हमारा,
कौन, या हम कैश पे नहीं ले रहे हैं ना ये सामान, यहाँ पे नाम अगर दे दिया है, श्याम का नाम अगर दे दिया है, तो इसको कैश ट्रीट नहीं करेंगे, इसको क्रेडिट रिस्क ट्रीट करेंगे, क्रेडिट परचेज ट्रीट करेंगे इसको, क्योंकि इसमें क्रेडिटर का नाम दे दिया है, इसलिए इसको क्रेडिट परचेज ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, श्याम से खरीदा गया है, मतलब हमारा श्याम जो था वो हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर बढ़ जा रहे हैं कितने से, 10,000 रुपये से क्रेडिटर बढ़ जा रहे हैं, श्याम हमारे लिए क्रेडिटर है, मतलब लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है कितने से, 10,000 रुपये से लाइबिलिटी बढ़ जा रही है, 10,000 रुपये से लाइबिलिटी बढ़ जा रही है, मतलब लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, इनकम और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंस और एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, क्लियर है। देखिए अप्रैल 10 को इसकी एंट्री कैसे करते हैं, देखिए परचेज अकाउंट डेबिट, 10,000 रुपये का सामान खरीदा है इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट ऑफ 10,000 रुपीज टू श्याम अकाउंट, लाइबिलिटी बढ़ रही है 10,000 से, क्रेडिटर बढ़ रहे हैं 10,000 से, श्याम को अब 10,000 रुपीज देना है इसलिए इसको क्रेडिट किया गया है, ठीक है, ये हमारा क्रेडिटर हो गया, ठीक है। नरेशन देखिए, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे सामान खरीदा गया, ये एंट्री क्लियर है। लेकिन अब 15 तारीख को इसकी एंट्री कैसे करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो एंट्रीज हैं, जर्नल एंट्री के इस क्वेश्चन में दो एंट्रीज हैं। देखिए मान लीजिए कि 10 अप्रैल 2019 को हमने सामान खरीदा, 15 अप्रैल 2019 को कुछ सामान वापस करेंगे, तो 15 अप्रैल 2019 को एंट्री कैसे करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले परचेज रिटर्न हुआ है, इनकम बढ़ी है या फिर एक्सपेंस कम हुआ है या फिर इनकम बढ़ी है, अगर परचेज रिटर्न किया गया है तो क्या हुआ है, इनकम परचेज रिटर्न किया गया है तो क्या हुआ है, इनकम बढ़ी है, अगर परचेज रिटर्न हुआ है तो हमारी इनकम क्या हुई है, बढ़ी है, ठीक है। अगर इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, क्लियर है इतना, अगर इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, इतना क्लियर है, समझ में आया। आगे देखते हैं श्याम अकाउंट, जो श्याम था वो हमारे लिए लाइबिलिटी था, श्याम था वो हमारे लिए क्या था, लाइबिलिटी था। अगर श्याम हमारे लाइबिलिटी है तो अगर परचेज रिटर्न कर रहे हैं, अगर जो सामान खरीदे थे श्याम से, जो सामान खरीदे थे अब कुछ सामान उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो उसको अगर पैसे कुछ 10,000 देने थे, अब 10,000 नहीं देने रहेंगे, अब 8,000 ही देने रहेंगे, मतलब लाइबिलिटी कम हो रही है। देखिए यहाँ पर लाइबिलिटी इज डिक्रीजिंग, श्याम जो हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर कम हो रहा है कितने से, 2,000 से, लाइबिलिटी इज डिक्रीजिंग, लाइबिलिटी और इनकम अगर डिक्रीज होता है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, आया समझ में। चलिए अप्रैल 15, 2019 में क्या होता है, अप्रैल 15, 2019 में एंट्री कैसे करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो इसका मैं बता रहा था फॉर्मेट कैसे एंट्री होगी, अब उसकी एंट्री कैसे करते हैं वो बताता हूँ। श्याम अकाउंट डेबिट, श्याम के अकाउंट को डेबिट किया गया है, क्यों डेबिट किया गया है, क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर है, उसको कुछ पैसे देने थे, उसको कुछ पैसे देने थे 10,000 रुपीज, अब उसको 10,000 नहीं देने हैं, अब उसको कितना 2,000 की एंट्री कम करनी है। अब श्याम 2,000 से हमारे लिए डेटर है, अगर 10,000 से श्याम क्रेडिटर है तो 2,000 से डेटर भी है, 2,000 रुपये देगा क्योंकि 2,000 का गुड्स हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो श्याम का अकाउंट, अगर श्याम क्रेडिटर है, क्रेडिटर कम हो रहे हैं, मतलब डेटर बढ़ रहा है, क्रेडिटर अगर कम हो रहा है तो डेटर बढ़ रहा है, ठीक है। डेटर हमारा एसेट है और क्रेडिटर हमारा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम हो रहा है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ एसेट डेटर बढ़ रहा है, श्याम एज डेटर बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रही है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट कर देते हैं, ठीक है, इसलिए इसको डेबिट किया गया है कितने से, 2,000 से। ये समझ में आ गया कैसे हुआ है श्याम डेबिट, ठीक है। परचेज रिटर्न अकाउंट, जो परचेज रिटर्न था वो हमारे लिए इनकम था, परचेज रिटर्न था, या तो हम एक्सपेंस कम कर रहे हैं, एक्सपेंस अगर कम करते हैं तो भी डेबिट करते हैं, इनकम अगर बढ़ती है तो भी डेबिट करते हैं, तो परचेज रिटर्न जो है हमारे लिए क्या है, परचेज रिटर्न जो है हमारे लिए क्या है, इनकम बढ़ रही है, मतलब परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए उसका नरेशन मैंने क्या लिखा है देख लीजिए, बीइंग गुड्स रिटर्न टू श्याम, कुछ गुड्स श्याम को रिटर्न किए गए हैं, बीइंग गुड्स रिटर्न टू श्याम, डिफेक्टिव गुड्स, यहाँ पर डिफेक्टिव गुड्स लिख लेता हूँ मैं, डिफेक्टिव गुड्स, ठीक है, डिफेक्टिव का शॉर्ट फॉर्म लिखा है आप समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए अगर कुछ सामान खरीदते हैं या फिर कोई सामान बेचते हैं तो कई बार उस पर हम डिस्काउंट देते हैं या फिर डिस्काउंट पाते हैं, ठीक है। अगर सामान खरीदते हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं तो कई बार डिस्काउंट देते हैं या फिर डिस्काउंट हमें मिलता भी है, ठीक है।
तो डिस्काउंट की क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए डिस्काउंट दो टाइप्स के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट एक कैश डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या है, सपोज करते हैं कि हम कुछ बेच रहे हैं, कोई भी सामान है बेच रहे हैं, लेकिन उसकी सेल हो नहीं रही है। सपोज हमारे पास कुछ भी है, सपोज कपड़े का आप देखे होंगे कि उसमें 50% ऑफ लिखा रहता है, ऑफर लगा रहता है, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि कपड़े की दुकान है, ठीक है, काफ़ी दिन से हमारा स्टॉक निकल नहीं रहा है, तो हमने एक दिन क्या किया, हम उस पर लगा दिए कि डिस्काउंट 50% डिस्काउंट लगा दिया हमने, उस पर टैग लगा दिया। अब हमारी सेल बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी क्योंकि हमने डिस्काउंट दे दिया है, 50% का डिस्काउंट दे दिया है। मतलब बेसिकली हम अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, हम अपना सेल बढ़ाने के लिए हम डिस्काउंट देते हैं। अगर हमारा बिजनेस है तो हम डिस्काउंट क्यों देते हैं, बिजनेस अच्छे से रन करने के लिए, हमारी सेल बढ़ाने के लिए हम डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। तो इस डिस्काउंट को कैसे क्या करते हैं, अगर डिस्काउंट अगर हम देते हैं तो इसकी एंट्री होती है क्या, नहीं होती है, नेवर अकाउंटेड इन बुक्स, यहाँ पर लिखा है मैंने, इसकी एंट्री बुक्स में नहीं होती है। अगर हम डिस्काउंट देते हैं, सपोज अगर 50% का टैग लगाया है हमने, तो अगर उसकी एंट्री जब अपने बुक ऑफ अकाउंट में करेंगे तो उस डिस्काउंट की एंट्री हम बुक्स में नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसकी एंट्री जब बुक्स में करते हैं तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ओनली डिडक्टेड फ्रॉम परचेज या सेल, अगर हमें डिस्काउंट मिलता है या फिर हम डिस्काउंट देते हैं, तो अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो परचेज में से डिडक्ट कर लेंगे, परचेज में नाम लिख के नहीं करेंगे, डिस्काउंट लिख के नहीं डिडक्ट करेंगे, डायरेक्टली डिडक्ट कर लेंगे परचेज में से। डिस्काउंट मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, अगर ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, अगर सॉरी ये परचेज अगर कर रहे हैं, परचेज अगर कर रहे हैं तो हमें डिस्काउंट मिलेगा अगर हम परचेज कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा गलत हो गया लेकिन मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए परचेज अगर कर रहे हैं, अगर कोई सामान खरीद रहे हैं, सपोज कपड़े ही खरीद रहे हैं, उस पर अगर 10% डिस्काउंट है, अगर सामान है सपोज करते हैं कि 2000 का सामान है, अगर 2000 का सामान है उस पर 10% अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो 1800 का हम परचेज दिखाएंगे, 1800 एज परचेज दिखाएंगे, ठीक है। मतलब 1800 का परचेज दिखाएंगे और कैश में 1800 का क्रेडिट करेंगे, परचेज से डेबिट कर देंगे 1800 को इन द फॉर्म ऑफ परचेज डेबिट कर देंगे, ठीक है। और कैश गया है हमारे पास से, 1800 गया है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे 1800 से। तो समझ में आया कि अगर डिस्काउंट मिलता है परचेज करते टाइम तो कैसे करता है, और सेल करते टाइम कैसे अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो कैसे करते हैं। सपोज सेल कर रहे हैं हम, कोई कपड़े ही खरीद बेच रहे हैं, सपोज 3000 का कपड़ा है और 300 रुपये हम उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं, बेसिकली 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 300 हो गए। तो 300 रुपये अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम उसको जो सेल करेंगे ना, अगर हम उसको सेल करेंगे तो कैसे करेंगे, मान लीजिए सेल्स अकाउंट मान लेते हैं कि सेल हमारी हो रही है, सेल्स बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, तो सेल को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, सेल कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 2700 से, क्योंकि 300 माइनस करेंगे 3000 में से, क्योंकि डिस्काउंट दिया है 300 का, तो 2700 से सेल को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। आया क्या है हमारे पास, कैश आया है, कितना आया है, अगर डिस्काउंट दिया है 300 तो 2700 ही आएगा ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना क्लियर है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि ट्रेड डिस्काउंट कैसे होता है, ट्रेड डिस्काउंट हमारा सेल बूस्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है, इसको केवल परचेज या सेल में से या तो डिडक्ट करते हैं नहीं तो प्लस करते हैं, ठीक है। अगर परचेज कर रहे हैं तो ये बेसिकली आप समझ लीजिए कि इसको डिडक्ट कर लेते हैं परचेज या सेल में से, इतना, ठीक है। इसकी आगे कैसे इसकी एंट्री होती है, आगे कुछ क्वेश्चन है मैं उसमें बता देता हूँ, ठीक है। अब इतना समझ लीजिए कि ओनली डिडक्टेड फ्रॉम परचेज या सेल, अगर सेल करेंगे तो कुछ अलग इसका ऑपरेट करेंगे, उसके लिए ऑपरेट करेंगे, परचेज करेंगे तो कुछ अलग ऑपरेट करेंगे, ठीक है। अलाउड ऑन कैश या क्रेडिट परचेज एंड सेल, या तो कैश परचेज होगा या फिर कैश सेल होगा या फिर क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल होगा, दोनों पे इसको अलाउड किया जाता है। जो ट्रेड डिस्काउंट है इसको दोनों पे अलाउड किया जाता है, कैश परचेज हो या क्रेडिट परचेज हो दोनों पे, या फिर कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो दोनों पे अलाउड होता है, ठीक है। कैश डिस्काउंट क्या है, देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो कैश डिस्काउंट होता है ये केवल कैश डिस्काउंट केवल कैश सेल या कैश परचेज पे ही एप्लीकेबल होता है। क्या कैश डिस्काउंट,
क्यों? क्योंकि जो कैश डिस्काउंट हम देते हैं वो जल्दी कैश पाने के लिए रिकवर, अगर सपोज हमसे कोई सामान खरीद के लेके गया है, हमने अगर बेसिकली सेल किया है और अगर हमें पैसे चाहिए, अगर तुरंत पैसे चाहिए तो हमने बोल दिया कि अगर आप तुरंत पैसे देते हो तो अगर ये सामान 100 रुपये का तो मैं आप मेरे को 90 ही दो, लेकिन तुरंत पैसे दो। मतलब हमने 10 रुपये का डिस्काउंट दिया। क्यों दिया? क्योंकि जल्दी हमें कैश मिल जाए। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल जो मैंने दिया है वो किसका है? कैश डिस्काउंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये क्यों करता है कैश डिस्काउंट? टू रिकवर कैश अर्ली, जल्दी कैश रिकवर करने के लिए। बेसिकली इट इज अ कॉस्ट इनकर्ड टू रिकवर कैश। ये कॉस्ट, ये हम कॉस्ट लगाते हैं क्या करने के लिए? कैश को रिकवर करने के लिए। ठीक है, ऑलवेज अकाउंटेड फॉर इन बुक्स, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, will be allowed on only cash purchase or cash sale, ये केवल cash purchase या cash sale पे ही applicable है। ठीक है, ये cash discount और trade discount समझ में आया? आगे चलते हैं। देखिए, purchase goods of ₹3000 from Akash at the rate 10% trade discount, trade discount मिल रहा है 10% का। ठीक है, अगर goods Akash से खरीदे जा रहे हैं 3000 के, तो उस पर हमें trade discount मिल रहा है कितने का? 10% का। तो परचेज कर रहे हैं, एक्सपेंस हमारी बढ़ रही है, एक्सपेंस अगर बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। ठीक है, आकाश, आकाश कौन है? आकाश को पैसे देने हैं, आकाश हमारे लिए क्रेडिटर है, क्रेडिटर है आकाश। ठीक है, आकाश हमारे कौन है? क्रेडिटर है। क्रेडिटर बढ़ रहा है मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी और इनकम अगर बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, मतलब परचेज बढ़ रहा है इसके, इसको डेबिट किया है कितने से? 2700 से। क्यों 2700 से किया है? सेल तो 3000 का हो रहा है। यहाँ पर देखिए 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, 3000 में से अगर 10% माइनस कर लेते हैं, 10% अगर माइनस कर लेते हैं तो 2700 आता है। 3000 में से अगर 27% 10% माइनस कर लेते हैं तो 2700 आता है। इसलिए परचेज किया है कितने का? 2700 का। आकाश को क्रेडिट किया है क्योंकि हमारा क्रेडिटर है, लाइबिलिटी बढ़ गई कितने से? 2700 से लाइबिलिटी बढ़ गई, इसके लिए इसको क्रेडिट किया गया है। देखिए इन्फॉर्मेशन क्या डाला है, बीइंग परचेज्ड गुड्स एट द रेट 10% एट द रेट 10% डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हुआ है। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं हुई है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है, इसमें एंट्री नहीं होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। आगे चलते हैं, परचेज गुड्स ऑफ ₹3000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन कैश। देखिए गुड्स खरीदा गया है 3000 से, कितने से? 3000 से क्या गुड्स खरीदा गया है? 3000 से अगर खरीदा है तो उस पर ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला है 10% का, 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है। ठीक है, और डिस्काउंट कितने का मिला है? ट्रेड डिस्काउंट कितने का मिला है? 10% का। और कैश डिस्काउंट कितने का मिला है? 5% का कैश डिस्काउंट मिला गया है, मिला है। और ये जो एंट्री हुई है, ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो कैश पे हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर कैश डिस्काउंट है तो कैश पे ही वो ट्रांजेक्शन हुआ होगा। क्लियर है? ठीक है, परचेस कर रहे हैं मतलब एक्सपेंस कर रहे हैं, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है कितने से? एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करता है कितने से? आगे बताता हूँ मैं। ठीक, अगर परचेज कर रहे हैं तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस अगर बढ़ता है, एक्सपेंस और एसेट बढ़ता है तो उसको डेबिट करता है। ठीक है, कैश जा रहा है, कैश हमारे पास से जा रहा है। ठीक है, मतलब एसेट, जो हमारा एसेट है इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर कैश या एसेट या एक्सपेंस कम होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। डिस्काउंट, डिस्काउंट मिल रहा है, हम परचेस कर रहे हैं तो डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब हमारी इनकम हो रही है। अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो हमारे पास पैसे बढ़ रहे हैं ना, अगर डिस्काउंट मिल रहा है, हमको डिस्काउंट दे रहा है तो हमारी इनकम बढ़ रही है, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो देखिए परचेज अकाउंट डेबिट 2700, मतलब परचेज किया गया 3000 से और ट्रेड डिस्काउंट मिला है कितने का? 10% का। तो 3000 का 10% कितना होता है? 2700 होता है। ठीक है, 3000 का 10% 2700 होता है, इसलिए परचेज हम कितने का किए हैं? 2700 का। ठीक है, कैश उसको दिए हैं, उसको कैश दिए हैं कितने का? 2565 का।
2565 रुपीज़ दिए हैं। 2565 रुपीज़ क्यों दिए हैं, पूरा क्यों नहीं दिए हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए कैश डिस्काउंट मिला है, क्योंकि हमने ये जो ट्रांजेक्शन किया है कैश में किया है। जो सेलर था उसने बोला अगर कैश आप देते हो तो कुछ डिस्काउंट दूंगा मैं। कितना डिस्काउंट देगा, 5% का डिस्काउंट देगा। अगर 5% का डिस्काउंट दे रहा है, अगर 5% का डिस्काउंट दे रहा है सेलर हमको, तो 5% हम इसमें से 5% माइनस करेंगे। परचेज कितने का किए थे, 2700 का। उसके लिए अगर बोला है 27% पे, 2700 का जो आपने परचेज किया है उस पर मैं 5% का क्या दूंगा, कैश डिस्काउंट दूंगा। तो 2700 का 5% कितना होता है, अगर 2700 में से 5% हम माइनस करते हैं तो हमारा आएगा कितना, 2565 आएगा। ठीक है, 2565 आया है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं ना, बेसिकली देखिए 27% का, 2700 का 5% होता है 135। 2700 का, एक सेकेंड, 2700 का 5% होता है 135 रुपीज। ठीक है, तो 2700 में से 135 माइनस कर लिया है तो आ गया है 2565। मतलब हमने जो कैश दिया है वो कितने का दिया है, 2565 का दिया है। और हमारी जो इनकम हुई है इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट वो कितने की हुई है, 135, क्योंकि 2700 का 5% 135 था, 135 से हमारी इनकम हुई है। ठीक है, इसलिए इसको क्रेडिट किया गया है इन दोनों को, टू कैश टू डिस्काउंट। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज एंड डिस्काउंट अलाउड, परचेज्ड ऑन कैश एंड वी आर गेटिंग डिस्काउंट। ठीक है, मतलब डिस्काउंट अलाउ किया गया है सेलर के द्वारा। तो इतना क्लियर है आपको, इतना क्लियर है ना, हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए जैसे अगर हम परचेज या परचेज रिटर्न करते हैं, सेम है सेल और सेल रिटर्न भी तो होगा। अगर कुछ सेल करते हैं हम, सपोज अगर हम कुछ सेल करते हैं तो इनकम हमारी बढ़ रही है, इनकम हमारी बढ़ रही है हम सेल कर रहे हैं तो। ठीक है, इतना क्लियर है। सेल रिटर्न क्या है, हमने जो सेल किया है उसमें से कुछ डिफेक्टिव गुड्स हैं, तो जो जिसको हमने सेल किया है, जो परचेजर है, जो परचेज कर रहा है, उसने देखा कि कुछ डिफेक्टिव गुड्स हैं तो उसने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिया। मतलब हमारे पास कुछ गुड्स आ गए तो हमारे लिए सेल्स रिटर्न हो गया। ठीक है, तो सेल जो होता है वो सेल ऑफ गुड्स होता है, जो जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं वो बेच रहे हैं, मतलब सेल ऑफ गुड्स हमारे लिए इनकम है, इनकम बढ़ गई, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कुछ डिफेक्टिव गुड्स थे वो हमें रिटर्न कर दिया, किसने, परचेजर ने रिटर्न कर दिया। ठीक है, मतलब हमारा एक्सपेंस हो गया, मतलब जो इनकम हमारी हो रही थी वो कम हो गई। इनकम अगर कम होती है तो बेसिकली हम उसको एक्सपेंस मान लेते हैं, मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है, इसके लिए इसको डेबिट कर दिया। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल दिया है, गुड्स ऑफ ₹5000 सोल्ड टू मोहन फॉर कैश। मतलब 5000 का गुड्स बेचा गया है किसको, मोहन को, कैश में। ठीक है, तो देखिए कैश बढ़ रहा है, कैश आ रहा है सेल करने के टाइम पे, मतलब एसेट बढ़ रही है, इसके लिए इसको डेबिट किया गया है। ठीक है, सेल्स अगर हम सेल किए हैं, अगर हम कुछ बेचे हैं तो इनकम हमारी बढ़ी है, इनकम हमारी बढ़ गई, इसके लिए इसको क्रेडिट किया गया है। तो कैश अकाउंट डेबिट 5000 टू सेल्स अकाउंट 5000। बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बेचा गया है गुड्स किस पे, कैश पे। क्लियर है, आगे चलते हैं। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹20,000 एट डिस्काउंट ऑफ ₹1,000। मतलब हमने गुड्स बेचे हैं कितने का, 20,000 का, और डिस्काउंट कितना दिया है, 1,000 का डिस्काउंट दिया है, मतलब कैश आया है। अगर हम बेचे हैं गुड्स तो कैश आएगा ना, कैश आया है, एसेट बढ़ा है, तो उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट हमने दिया है, हमने डिस्काउंट दिया है, मतलब कुछ एक्सपेंस हो रहा है हमारा, हम डिस्काउंट ले नहीं रहे हैं, इनकम नहीं हो रहा है, डिस्काउंट दे रहे हैं इसलिए हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, इसको भी डेबिट करेंगे। ठीक है, सेल कर रहे हैं, सेल कितने का कर रहे हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा एंट्री में। सेल कर रहे हैं मतलब हमारा इनकम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अगर सेल करते हो तो इनकम बढ़ता है, इसके लिए इसको क्रेडिट करेंगे। तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट 19,000 का कैश आया है हमारे पास,
क्यों 19,000 का क्यों आया है, क्योंकि 20,000 का अगर है तो 19,000 का क्यों आया, आगे बताता हूँ। क्योंकि डिस्काउंट दिया हमने कितने का, 1,000 का, तो 19 + 1 = 20,000, 1,000 तो डिस्काउंट दे दिया ना, तो हमने एक्सपेंस कर दिया डिस्काउंट के फॉर्म में 1,000 रुपये का टू सेल्स अकाउंट 20,000। क्लियर है? बींग गुड्स सोल्ड एट डिस्काउंट, मतलब गुड्स बेचा जा रहा है डिस्काउंट पे, गुड्स बेचा जा रहा है डिस्काउंट पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है एक्सपेंस और इनकम। एक्सपेंस और इनकम को कई बार हम अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ये अक्रूवल बेसिस क्या है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अकाउंटेंसी का ही है, ठीक है। तो ये मैं बताता हूँ आपको अक्रूवल बेसिस क्या है। जैसे एक्सपेंस एंड इनकम आर रिकॉग्नाइज्ड इन बुक ऑफ अकाउंट ऑन अक्रूवल बेसिस। कहने का मतलब है कि कई बार एक्सपेंस और इनकम जो होता है, सपोज कर लेते हैं एक्सपेंस कोई हम खर्चा कर रहे हैं जिसमें हम बेनिफिट डिराइव कर ले रहे हैं, ठीक है, करंट ईयर में ही बेनिफिट डिराइव कर ले रहे हैं, तो उसको एक्सपेंस एज करंट ईयर हम रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। किसी को बेनिफिट देना है, सपोज कोई सामान है वो बेच दिया, जो गुड्स है हम सेल कर दिए, जिसके हम सेलर हैं, जिसका काम बिजनेस कर रहे हैं वो सेल कर दिए, बेसिकली बेनिफिट दे दिए, ठीक है, करंट ईयर में बेनिफिट दे दिए, तो एज इनकम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे किसमें, करंट ईयर में, ठीक है। लेकिन इसका अक्रूवल बेसिस का इसमें क्या है लॉजिक, अक्रूवल बेसिस का लॉजिक ये है कि जैसे देखिए जब एक्सपेंस करते हैं, दोज एक्सपेंस हुज बेनिफिट इज डिराइव, वे एक्सपेंस जिनका बेनिफिट करंट ईयर में हम रिसीव कर चुके हैं, ठीक है, उसको करंट ईयर में ही रिकॉर्ड कर लेंगे, मैटर नहीं करता कि वो पे हुआ है कि नहीं, ठीक है, वो मैटर नहीं करता कि वो पेड है कि नहीं, उसको हम करंट ईयर में ही रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर से, वो एक्सपेंस जिसका बेनिफिट डिराइव हो चुका है, ठीक है, करंट ईयर में, उसको हम विल बी रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस, उसको हम एक्सपेंस में करंट ईयर में रिकॉर्ड कर लेंगे, भले वो पे किया गया है हमारे द्वारा या फिर नहीं, ठीक है। इनकम क्या है अक्रूवल बेसिस पे, इनकम क्या है ये मैं बताता हूँ। देखिए, दोज इनकम हुज बेनिफिट इज गिवन, वे इनकम जिसका बेनिफिट दे दिया जा चुका है, ऐसे इनकम जिसका बेनिफिट दे दिए हैं, मनी रिसीव्ड और नॉट, मनी आई है, अगर हम बेनिफिट दिए हैं तो कुछ पैसे आएंगे ना, वो आया है कि नहीं आया है वो मैटर नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है। इन करंट ईयर, जिसका बेनिफिट करंट ईयर में हम दे चुके हैं, जिसका बेनिफिट हम करंट ईयर में दे चुके हैं, क्योंकि हम इनकम कर रहे हैं, इनकम में हम बेनिफिट देते हैं, तो करंट ईयर में जिसका बेनिफिट हम दे चुके हैं विल बी रिकॉर्डेड एज इनकम इन करंट ईयर, वो इनकम करंट ईयर में वो एज इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और आगे पढ़ते हैं। देखिए, एक्सपेंस एंड इनकम थ्रू आउट द ईयर आर रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट्स। जैसे जो हम पूरे साल में इनकम या एक्सपेंस कर रहे हैं उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में एज कैश बेसिस रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। जो भी हम एक्सपेंस या इनकम पूरे ईयर में कर रहे हैं उसको हम एज कैश बेसिस रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर दे आर कन्वर्टेड और चेंज इनटू अक्रूवल बेसिस। लेकिन ईयर एंड में उसको हम अक्रूवल बेसिस पर कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए, ये जो है इसको हम कैसे करते हैं, इसका लॉजिक क्या है, इसको एग्जांपल में आपको टोटली समझ में आएगा, लेकिन मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूँ जिससे शायद आपको समझ में आ जाए। रिकॉर्डेड ओनली व्हेन पेड और रिसीव्ड। जैसे एट द एंड ऑफ द ईयर में हमने देखा कि वो पे या रिसीव हो चुका है, तो उसको अक्रूवल बेसिस पे एंड ऑफ द ईयर हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? एट द एंड ऑफ द ईयर हमने देखा या तो पे हो चुका है या फिर रिसीव हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस और इनकम। अगर एक्सपेंस है तो पे हो चुका है, अगर इनकम है तो पैसे आ चुके हैं, तो ये चीज हम क्लियर करने के बाद उसको एंड ऑफ द ईयर में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, ये टॉपिक समझ में आया? अब इसको एग्जाम्पल में जब समझाऊंगा तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखिए, पहला एग्जाम्पल है किसका, वेजेस का। वेजेस हमारे लिए एक्सपेंस है, पहला एग्जाम्पल है वेजेस का, वेजेस हमारे लिए एक्सपेंस है। क्यों एक्सपेंस है मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज हमारी फैक्ट्री में कोई लेबर काम कर रहा है तो उसको हम कुछ पे करेंगे आवरली बेसिस पे, तो वो हमारा वेजेस होता है। तो देखिए, अगर वेजेस हम पे कर रहे हैं तो किसके फॉर्म में पे करेंगे, कैश के फॉर्म में पे करेंगे, मतलब कैश डिक्रीज होगी। अगर वेजेस पे करेंगे तो कैश के फॉर्म में पे करेंगे, कैश डिक्रीज होगा, बेसिकली एसेट
एसेट डिक्रीज होगा, एसेट अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, एसेट और एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। वेजेस, वेजेस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि वो लेबर हमारी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो हमारे लिए एक्सपेंस ही है ना। वेजेस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है, मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है ना, तो एक्सपेंस और एसेट अगर बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। तो देखिए वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस को डेबिट किया गया था, इसलिए वेजेस अकाउंट डेबिट 1000। टू कैश अकाउंट, कैश इज एसेट विच इज डिक्रीजिंग, मतलब कैश डिक्रीज हो रहा है इसलिए इसको क्रेडिट कर लिया गया है, तो टू कैश 1000 बीइंग वेजेस पेड, ठीक है। अगला एग्जांपल है, इसमें आपको अक्रूवल बेसिस समझ में आएगा नेक्स्ट एग्जांपल में। देखिए मान लीजिए वेजेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब साल में वेजेस जो पे किए गए हैं वो 3000 के पे किए गए हैं, पूरे साल में पूरे ईयर में 3000 के वेजेस पे किए गए हैं। एंड आउटस्टैंडिंग एज एट द एंड ऑफ द ईयर रुपीज 1000। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अनपेड, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, अनपेड, ठीक है, मतलब एंड ऑफ द ईयर में हमने देखा कि क्या है, एंड ऑफ द ईयर में देखा कि कुछ वेजेस आउटस्टैंडिंग है, कुछ वेजेस अनपेड है, ठीक है, तो एंड ऑफ द ईयर में इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, एंड ऑफ द ईयर में इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। देखिए ड्यूरिंग द ईयर क्या होता है, जैसे वेजेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर क्या किया गया है, इसकी एंट्री दो फॉर्म में इसको मैंने बांट दिया है, दो फेज में इसको बांटा है, इस एंट्री को, इस पूरे ट्रांजैक्शन को दो टाइप के एंट्री में बांटा जाएगा। एक ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर कैसा हुआ, ड्यूरिंग द ईयर 3000 का पे किया गया, तो ड्यूरिंग द ईयर वेजेस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, वेजेस बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस बढ़ी है, एक्सपेंस और एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, डेबिट हुआ है, ठीक है। कैश क्या है, एसेट है, एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वेजेस अगर पे कर रहे हैं तो किसके फॉर्म में पे कर रहे हैं, एसेट के फॉर्म में पे कर रहे हैं, तो ये एसेट डिक्रीज हो रहा है तो इसको क्रेडिट करेंगे, क्लियर है। तो वेजेस हमारा एक्सपेंस है, बढ़ रहा है तो डेबिट, तो वेजेस अकाउंट डेबिट, क्लियर। कैश एसेट है, कम हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे, ये कम हो रहा है 3000 से, इसके लिए इसको हमने कैश को हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि कैश एसेट है वो कम हो रहा है, इसके लिए क्रेडिट कर दिया, बीइंग वेजेस पेड, ठीक है, वेजेस पे किए गए ड्यूरिंग द ईयर 3000, ठीक है, इतना क्लियर है। एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर इसको कैसे ट्रांजैक्ट करेंगे, इसका ट्रांजैक्शन की एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है, देखते हैं। वेजेस जो है एंड ऑफ द ईयर में भी दिख रहा है, एट द ईयर एंड दिख रहा है कि 1000 का अनपेड है, मतलब 1000 पे करना है ना, अनपेड है ना 1000 का, तो 1000 पे करना है, तो देख लीजिए अगर 1000 पे करना है, वेजेस है तो हमारे लिए एक्सपेंस है, 1000 से एक्सपेंस फिर बढ़ रहा है, फिर डेबिट करना पड़ेगा, एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनपेड एक्सपेंस या फिर अनपेड वेजेस, बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बिजनेस पे, कि ये वेजेस है जो अनपेड है हमको पे करना है, तो लाइबिलिटी है, मतलब बिजनेस पे लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटी और इनकम अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो वेजेस एक्सपेंस है, बढ़ रही है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि वेजेस एक्सपेंस है, बढ़ रहा है तो डेबिट कर दिया 1000 से, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस जो हैं ये क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी भी बढ़ रही है तो लाइबिलिटी और इनकम बढ़ता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, इसलिए टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग वेजेस बेसिकली विच इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ओके। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ अनपेड वेजेस, मतलब अनपेड वेजेस का एडजस्टमेंट किया गया है, तो ये क्लियर है। अब इससे रिलेटेड एक टॉपिक है छोटा सा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आज के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय।